आज पुणी थे भुवनेश्वर राजरास्ता को फेरी पथ उत्सव सितुआ सकाल हकीर क्रेज ता सितुआ सकाल पथ उत्सव मजा ना राजधानी बासिंदा भिड़ जमी आपंक मुझ दृश्य देखा चाहिए इंफोसिट छक आमर शिखर चंडी मंदिर पर्यंत जो रास्ता रही से रास्त आरंभ हो पथ उत्सव पूर्वतर जितेबाला पथ उत्सव प्रथम पथ उत्सव आरंभ होता डिसेंबर 25 रे मास्टर कैंटीन ठारु राम मंदिर पर्यंत होता आज जितेबाला द्वितीय थर पर पथ उत्सव आरंभ हो आपड़ देखिपे दृश्य पिला से क्रेज रही गोटे गोटे हॉकी को समस्ते सपोर्ट कर हॉकी जो क्रेज कारण हॉकी एंतुड़ी साल होड़शा ओडार हॉकी पाई केवल ओडा प्रसिद्ध से जितेबाला विश्वकप आसूँ विश्वकप को आखि आगे रखी बीएमसी तरफ पथ उत्सव आयोजन द्वितीय पथ उत्सव आप पूरा विजुआल देखुवे समस्त भितर से उत्साह रही समस्त भितर से खुशी रही हॉकी क्रेज रे समस्ते सितुआ सकाल मजा उठाऊँ किए योग कर तो आउ किए विभिन्न प्रकार पेंटिंग एवं जेहेतु भारत विश्वकप्रे हॉकी विश्वकप्रे पार्टिसिपेट कर जितेबाला भारत टीम को सपोर्ट करने छोट छोट पाने जो मैंने अच्छा से मैंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाऊँ जो थे कि हॉकी वर्ल्ड कप चित्र रही भारत मानचित्र रही आप दृश्य देखिपे छोट छोट पिला से क्रेज आउ निज मुहर में भारत मानचित्र छवि आंकीं कि पिला प्रतिक्रिया ने जो मान भर से उत्साहित अच्छा आने बहुत खुशी अच्छा कौन कहे आपत खुशी आज जेहेतु हॉकी क्रेज ता सहित आप पेंटिंग भारत को सपोर्ट करने को उत्साहित अच्छा बहुत खुश अच्छे बहुत खुश अच्छे आर मत भल लगे आम भारत पेंटिंग करने आम हॉकी ड्राइंग करुचु से मु बहुत खुश अच्छी आर हॉकी वर्ल्ड कप जो से मु बहुत ये होम को मैच देखा बहुत इंटरेस्ट अच्छे आप हॉकी पसंद करते ना नहीं कारण जो पथ उत्सव कथा आसे दुई वर्ष पूर्व पथ उत्सव जो राहगिरी नाम होता बर्तमान कितु पर पथ उत्सव स्टार्ट कोविड बंद था हाँ बहुत अच्छे कहाँ को सपोर्ट कर इंडिया कौन आज पेंटिंग हॉकी रो पेंटिंग कर अनियत भावे आप पिला प्रतिक्रिया शुणुते से उत्साहित अच्छा एवं जेहेतु से भारत को सपोर्ट करतपे पेंटिंग आरंभ कर पिला देखिपे जो मैंने योग कर महिला मैंने जो मैंने अच्छा से मैंने हॉकी क्रेज रे पूरा माहौल को सरगरम कर रंगोली तैयारी करो थे कि से हॉकी को सपोर्ट कर हॉकी पूरा जो क्रेज रही पूरा राजधानी में देखा मिलूँ आप दृश्य देखा चाहिए जो दृश्य रही जो महिला मैंने अच्छा से हॉकी निज हाथ में रंगोली तैयारी कर इंडिया को सपोर्ट कर महिला जो मैंने गच्छ को लेकिन विभिन्न प्रकार गच्छर महात्म्य विषय बुझाऊँ गच्छर स्टॉल लगे बसी आउ किसी महिला अच्छा जो मैंने कि राजधानी बासिंदा विभिन्न प्रकार फूड जमीक ओडिया ट्रेडिशनल फूड रही से स्टॉल पकई कि महिला प्रतिक्रिया ने जो मैंने झोटी पकाचं रंगोली कर मैडम कौन कहे आज हॉकी जो भाव में पथ उत्सव पुणी थे फेरी राजधानी को आपत निश्चित भाव में बहुत खुशी लगुच बहुत गर्वित लगुच कि फर्स्ट टाइम होस्ट कलापर आमको सेकेंड टाइम चान्स मिली तो मैंने बेटर किसी आमको चान्स मिली आउ प्लस अर्ली मॉर्निंग वाइब्स गोटे पॉजिटिव वाइब्स पथ उत्सव होमें विश तरफ रू फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगे स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट भी करुचु से हिसाब से आमको बहुत भल लगुच मैडम आम देखीचे जो कोविड दु वर्ष बंद था राहगिरी जितेबाला होता चलित बर्ष पुणी पथ उत्सव आपतर हॉकी से क्रेज अच्छे ना निश्चित भाव में अच्छी केमती रही आम जमी आम मटी होस्ट करुच्ची तो आम भितर से जोशा रहा कथा चकदे इंडिया आई विश कि आम टीम जितु बहुत भल लगुच
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁରା କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁରା ମାହୋଲ ରାଜଧାନୀର ପୁରା ସକାଳର ମାହୋଲ ଯାହା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହକିର କ୍ରେଜ୍ରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଝୋଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଭଳିକି ପୋଡ଼ପିଠା କହିବା, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା କହିବା, ଆରିସା କାକରା କଥା କହିବା, ସେମାନେ ତାର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଏବଂ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ହକିର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ଉଠାଉଛୁ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୁସି ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହକିକୁ ନେଇକି ପୁରା କ୍ରେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏଇ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ହକିର ପୁରା କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ରଖିଛୁ ଇଟିଲି, ବରା, ଘୁଗୁନି, ସିଝା ମଣ୍ଡା ରଖିଛୁ, ସୁଜି କାକରା ରଖିଛୁ। ହକିର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାହାଗିରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥ ଉତ୍ସବ ନାଁରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଥ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ, ହକିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ହକିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଆପଣ ହକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ନା ଆଉ କାହାକୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାହୋଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।